मरने आगे शाहजहांपुर में चल रहे बवाल के बाद लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने लाठियां बांटकर बवालियों को खदेड़ा है। बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। शनिवार को दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आपको बता दें, सेवादार ने गुरुद्वारे के सामने दुकान लगाने पर लड़की को डंडा मारा था, जिसके बाद ये बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें, दो समुदायों के बीच तलवारबाजी हुई, जमकर पत्थर चले, पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें, सड़क पर बंदूकें लहराई गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। सिख समुदाय भी आक्रोशित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए, साथ ही लाठीचार्ज भी किया। घटना के बाद से इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आपको बता दें, पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो पूरा मामला शाहजहांपुर का आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुद्वारे के सामने दुकान रखने के को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान दो समुदायों के बीच जमकर तलवारबाजी हुई और जमकर पत्थर बरसाए गए। साथ ही फायरिंग के साथ जमकर बंदूकें भी लहराई गई। आनन फानन में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जमकर लाठीचार्ज किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप। साथ ही बता दें कि दुकान लगाने को लेकर गुरुद्वारे के सेवादार ने एक लड़की को डंडा मार दिया था, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। सभी भीड़ को हटा दिया गया है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। फिर भी हालात को देखते हुए यहाँ फोर्स को तैनात किया गया है और मेरे एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हम लोग रूट मार्च वगैरह कर रहे हैं। हालात एकदम नियंत्रण में है और हम लोगों ने फोर्स का रिइंफोर्समेंट भी लगा लिया है, क्योंकि रात का समय है तो इसमें हम लोगों ने इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करके कुछ गाँव से भी सूचना आई थी, जो कि रूमर्स भी निकली है, बट उन गाँव में भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बंडा कस्बे में पूरी तरह स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है, लेकिन इसमें कड़ी चौकसी रखी जा रही है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है।